तो दोस्तों मेरा नए वीडियो पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा, चेपा पकड़ने के लिए जाऊंगा मैं। तो ये है चेपा, तो इसको मैं अभी इसको केसू लगा के दाना लगा के मैं इसको पकड़ने के लिए जाऊंगा। तो इसमें मछली मिलता है, तो बहुत ही अलग अलग टाइप का मछली मिलता है, सांप भी मिलता है कुछ, बहुत ही आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो वीडियो पसंद आने से लाइक कीजिएगा तो उस वीडियो को। तो ये है केसू, तो इसमें लाठी में इसे लगा के चेपा में लगाना पड़ता है, तो उसका गंध मिल के मछली जो चेपा में घुसता है, तो इसमें ऐसे लगाना पड़ता है। ये केसू को इसको इसमें साइड में लगाना पड़ता है, तो उसके बाद में इसको कैसे पाते हैं उसको भी दिखाएंगे हम। अभी हो गया, तो फिर से कल देखने के लिए आएगा, तो बने रहिए बीते। रिज दिया था, बहुत ही पानी ज़्यादा हो गया, पूरा चपा भी डूब गया, कल यहाँ में लगाया था अभी पूरा डूब गया। ये देखिए दोस्तों, ये कुशिया, ये देखिए दोस्तों, ये तो फंस गया हमें, तो हमें कितना यहाँ में तीन तो चार तो लगे हैं दोस्तों। ये है सांप जैसा, ये कुशिया मस्त, तो इसको लेके जाते हैं घर में।
तो इसको यहाँ पे फंस के मर गया। ये तो गोरू को मचे इसको ऐसा ऐसा मिला के खाता हो। हम लोग खाना खाते हैं तो ये क्या सब्जी है? ये है जंगल का ये बिम्बू, तो खाना खाएंगे बिम्बू से। बस मुझे चार तो स्नैक मछली मिला है तो खा के बहुत ही टेस्टी लगा। तो आप सबको देख लिया होगा, तो हम लोग भी यहाँ के आदमी सांप भी खा सकता है बोल के। तो ये स्नैक नहीं है, तो ये एक मछली है, स्नैक जैसा है, सांप जैसा है। तो ये अलग जगह में नहीं मिलता, ये अरुणाचल में हर जगह में आपको मिलेगा, तो अलग जगह में नहीं मिलता है। तो इसको देखने के लिए अलग का आदमी यहाँ में आके देखने से अच्छा आश्चर्य होता है, यहाँ में कैसा खाता है कैसे नहीं खाता है मालूम भी नहीं चलता है। तो इसके लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आने से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा है मेरा वीडियो। उसके बाद में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अलग दिन में आपको हर ऐसे ब्लॉग हम मेरा चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही, तो थैंक यू।